अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए मिनी सिंगारा समोसा की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही क्विक एंड झटपट सी हमारी जो रेसिपी है और हम इसको रेडी करते हैं। आटा जो है ऑलरेडी मैंने गूंद के रखा हुआ है, फिलिंग भी मैंने रेडी की हुई है। इन दोनों की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाकर चेक कर लीजिएगा। और आटे में मैंने सिंपली सॉल्ट, अजवाइन और घी डालकर उसको पहले मिक्स किया एंड देन पानी के साथ गूंद के तो रख लिया। तो देखिए, मैंने एक लोई जो है वो उसको अच्छी तरह से बेल लिया है और इसको अब हम सेंटर से कट करेंगे और इसको हम समोसे की शेप दे देंगे। और आप लोग चाहे तो इसमें आलू की फिलिंग करें, चाहे चिकन की फिलिंग करें, चाहे पनीर की फिलिंग करें, जैसी फिलिंग आप लोगों को पसंद है आप लोग इसमें कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने एक साइड पे पानी लगाया, अब हम इसको देंगे समोसे की शेप। इसको हम अच्छी तरह से कोन बनाएंगे और इसको हम अच्छी तरह से फिंगर्स की मदद से बंद कर लेंगे। ये देखिए, हमारा मिनी समोसा जो है वो रेडी हो गया है। इसमें हम डालेंगे फिलिंग। फिलिंग के मैंने छोटे छोटे से बॉल बना लिए हैं और ये देखिए मैंने डाला। नीचे हम लगाएंगे पानी और इसको अच्छी तरह से हम सील कर देंगे। तो ये देखें, मैं इसको पिंचेस की मदद से अच्छी तरह से सील कर रही हूँ। इससे भी बहुत अच्छा बंद हो जाएगा, ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। तो हमारा मिनी समोसा जो है वो रेडी हो चुका हुआ है और इसी तरह से मैं जो अपने सारे समोसे हैं वो रेडी करूँगी। एक दफ़ा मैं आपको फिर बता रही हूँ, एक साइड पर सिर्फ आप लोगों ने पानी लगाना है और इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने सील कर लेना है। ये देखिए, मेरा लास्ट समोसा है वो भी रेडी हो चुका है। इसमें रखेंगे हम फिलिंग और इसको अब हम अच्छी तरह से सील कर लेंगे। और ऑयल को मैंने एक साइड पे गर्म करने के लिए रखा हुआ है। आप लोग इसको एज इट इज़ ही पार्चमेंट पेपर के ऊपर रख के फ्रीज करके फिर जिप्लो बैग में डाल के मैक्सिमम आप लोग इसको 9 मंथ के लिए फ्रीज कर सकते हैं। एंड मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगा। आप लोगों ने देखें ऑयल कितना गर्म है, सिर्फ बबल आ रहे हैं, इतना ही गर्म रखना है। एंड लो फ्लेम पर हम लोग इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे। और ये देखें व्यूवर्स, हमारे जो समोसे हैं वो रेडी हो चुके हैं एंड नेक्स्ट बैच मैंने इसमें डाल दिया है। और हमारी ये आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग इसको केचप के साथ, मेयोनीज़ के साथ और चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ट्राई समथिंग डिफरेंट। अल्लाह हाफिज़।